नाउ भगत सिंह, देखो शायद इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, हो ना हो आपने कभी ना कभी तो इनका नाम सुना ही होगा। ठीक है, भगत सिंह वॉज बोर्न ऑन 28 सितंबर 1907 इन बांगा विलेज ऑफ लयालपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब। क्या बांगा, लयालपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब। ही स्टडीड यूरोपियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, यूरोप के अंदर जो भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए, यूरोप के अंदर भी काफी सारे देश के अंदर लोग परेशान थे अपने राजाओं से, तो उन राजाओं से उन लोगों ने किस तरीके से छुटकारा पाया, कौन से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स किए, वो मूवमेंट्स को इन्होंने स्टडी किया एंड वॉज अट्रैक्टेड टू एनार्किस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। ओके, और एनार्किस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज को ये अट्रैक्ट हुए। He became involved in numerous revolutionary organizations and quickly rose to the ranks of the Hindustan Republican Association to become one of its main leaders. ठीक है, काफी सारी revolutionary organizations के अंदर, activities के अंदर ये काफी active रहे और बहुत ही जल्द इनका rank बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। देखो इनको rank बढ़ाने का कोई ऐसे चक्कर नहीं था कि भाई मैं टॉप पर पहुंच जाऊं, ये तो बस अपने देश के लिए काम कर रहे थे और इसी जज्बे के कारण ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेन लीडर्स में से एक लीडर बन गए। ही केम इन कॉन्टेक्ट विद सुखदेव, भागवत चरण एंड यशपाल व्हाइल ही स्टडीड एट लाहौर नेशनल कॉलेज। ठीक है, ये सुखदेव, भागवत चरण, यशपाल के कॉन्टेक्ट में आए जब वो लाहौर नेशनल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1928। ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने बॉम्ब फेंका लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। एंड वंस अगेन, ये बॉम्ब किसी को मार देने वाला बॉम्ब नहीं था, ये खाली वार्निंग बॉम्ब था जिसके अंदर से खाली धुआं निकले। ठीक है, देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ करना। दे कुड हैव एस्केप्ड आफ्टर थ्रोइंग द बॉम्ब बट दे स्टूड देयर एंड शाउटेड स्लोगन्स लाइक, ओके, वो भाग सकते थे बट बॉम्ब गिराने के बाद वो वहीं पर खड़े रहे और स्लोगन्स चिल्लाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो, ऐसे। मतलब कि ये पूरी दुनिया के रेवोल्यूशनरीज तक, जहां पर भी भारत के लोग रह रहे थे वहां पर ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि भाई अब अंग्रेजों के खिलाफ जंग का आगाज हो चुका है। द डिस्पर्स्ड पैम्फलेट विद अ रेवोल्यूशनरी मैसेज, एक रेवोल्यूशनरी मैसेज के साथ इन्होंने पैम्फलेट को डिस्पर्स किया। फायर्ड शॉट्स इन द एयर, हवाओं के अंदर शॉट फायर किए, एंड देन सरेंडर देमसेल्स पीसफुली, और फिर खुद को एकदम शांतिपूर्वक पीसफुली सरेंडर किया। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स टू अवेंज द मर्डर ऑफ लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय जी के ऊपर अंग्रेजों ने काफी बड़ा लाठी चार्ज किया था जिसके कारण वो काफी इंजर्ड हो गए और इंजरी के कारण लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई। द भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर सॉन्डर्स नाम के ऑफिसर्स को, जिसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, उसको मार दिया। द ट्रायो वाज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। ठीक है, और तब तक ये जो ट्रायो जो था, भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी, इनका नाम इतना बड़ा हो चुका था भारत के लोगों के दिलों के अंदर के जो दूसरे लीडर्स थे, ओके, सो कॉल्ड, उन लीडर्स का यहां पर इस लेसन के अंदर जिक्र नहीं है, बट जिन लीडर्स के आप नाम जानते हो उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, गांधी जी है, नेहरू है, उनमें से कोई भी इनको बचाने नहीं आया, वो चाहते तो इनको बचा सकते थे, खाली एक लेटर भी लिख दिया होता गांधी जी ने तो भी ये तीनों के तीन की फांसी रुक जाती। ठीक है, पर तब उनको ये डर लग गया कि भाई अगर ये जिंदा रहेंगे तो फिर भारत के लोग तो इनका ही सुनेंगे, फिर तो हमारा सुनेंगे ही नहीं, तो ये डर से इनको बचाया गया नहीं। ठीक है, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। ठीक है, दिल से कभी भी वतन की उल्फत, वतन के लिए जो प्यार है वो कभी नहीं निकलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। ठीक है, मेरी मिट्टी, ओके, मेरी कब्र में से भी मेरे वतन की खुशबू आएगी, ऐसे मेरे देश की खुशबू आएगी। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज बोर्न ऑन 4 अक्टूबर 1857 इन मांडवी विलेज ऑफ कच्छ। ठीक है, कच्छ के अंदर मांडवी, 1857, 4 अक्टूबर, एंड ही वॉज द पायोनियर ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रोड।
भारत के बाहर जहां जहां भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, इनके पायोनियर थे। मतलब कि भारत के बाहर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चालू कराने का श्रेय इनके खाते में जाता है, ठीक है, मतलब कि इनके नाम जाता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के जी पर। ये ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, और इनका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ? ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में से, ठीक। ये प्लेड अ वाइटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन ऑन 18 फरवरी 1905, ठीक है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन के अंदर 18 फरवरी 1905। इट्स ऑफिस वॉज इन हिज हाउस एंड इट वॉज गिवन द नेम इंडिया हाउस। और ये जो सोसाइटी है ना, इसका ऑफिस इनके घर पर ही था और इसको इन्होंने नाम भी दिया था इंडिया हाउस। फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन ही स्टार्टेड अ मैगजीन एंटाइटल्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, और अपने इस इंस्टीट्यूशन के प्रोपेगेशन के लिए, मतलब कि अपने इस इंस्टीट्यूशन को फैलाने के लिए इन्होंने एक मैगजीन चालू की और इस मैगजीन का नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एसोसिएटेड विथ विनायक सावरकर, वंस अगेन द ग्रेट विनायक सावरकर के साथ इनका एसोसिएशन था, लाला हरदयाल जी के साथ था, मदन लाल धिंगरा जी के साथ था, सरदार सिंह राणा जी के साथ था एंड मैडम कामा। औरतें भी पीछे नहीं थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर काफी सारी विमेन भी थी, उनमें से एक ही विमेन थी मैडम कामा, मैडम बीकाजी कामा। ही अरेंज्ड स्कॉलरशिप फॉर इंडियंस, ये भारतीय लोगों के लिए, भारतीय बच्चों के लिए, भारतीय स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अरेंज करते थे ये, ठीक है। इन 1909 CE मदन लाल धिंगरा शॉट डेड सर विलियम वाइली नियर ट्रफलगर स्क्वायर इन लंदन फॉर विच ही वॉज हंग टू डेथ। और 1909 में मदन लाल धिंगरा जो है उन्होंने विलियम वाइली को मार दिया। मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि भारत के अंदर किताबों के अंदर ये अंग्रेज ऑफिसर्स के आगे लॉर्ड ने सर क्यों लगाते हैं, ठीक है, थीके? ये कोई यहां पर आकर काजू बादाम पिस्ता बांट कर तो गए नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इन्होंने भारत के लोगों को मारा है, भारत के लोगों को लूटा है, भारत की औरतों की बेइज्जती की है, ठीक है, भारत के लोगों की बेइज्जती की है, फिर भी यहाँ पर जो भी बुक्स छपती है उनके अंदर आज तक ये सर ने लॉर्ड ने ये सब लिखा जाता है अलग अलग पब्लिकेशंस के अंदर, अलग अलग बोर्ड्स के अंदर, ठीक। तो ये समझ में नहीं आता, ऐसा तो कौन सा ये भारत के लोगों को सुख दे गए हैं जिनके कारण अभी भी इनको रिस्पेक्ट दी जाती है। नो डाउट आज के ब्रिटिशर्स का शायद कोई रोल प्ले नहीं है, आज जो अंग्रेज लोग हैं, बट इनमें जो नाम दिए गए हिस्ट्री के अंदर, जो भी ऑफिसर्स के नाम दिए गए, सारे के सारे ऑफिसर्स लुच्चे लफंगे थे, ठीक है। तो ऐसे लुच्चे ऑफिसर्स के आगे ये सब लगाना, मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए। वो अपने कंट्री में जो मर्जी आए वो करें, वो बात एकदम अलग है, बट यहाँ पर नहीं। और सपोज यहाँ पर लाइनिंग्स के अंदर बीच में आ भी जाता है तो आपको वर्ड को इग्नोर करना है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नाम लिख देने का आंसर के अंदर, ठीक है। तो विलियम वाइली जो है ट्रफलगर के पास के स्क्वायर इन लंदन, वहां पर मदन लाल धिंगरा जी ने उनको गोली मार दी, तो इसलिए उनको फांसी हो गई। एंड फीलिंग अनसेफ इन लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस। तो ये घटना के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा को अनसेफ फील हुआ, ठीक है, फिर वो पेरिस शिफ्ट हो गए। एंड आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड टू स्विट्जरलैंड, और उसके बाद वो स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुए एंड ही डाइड इन 1930, ठीक है, और 1930 में उनकी डेथ हुई। थिंग्स टू नो, द अर्न्स ऑफ एशेज ऑफ श्यामजी, अर्न्स मतलब कि जिसके अंदर, जिस कलश के अंदर जो राख होती है ना उसको अर्न बोलते हैं, ठीक है। तो श्यामजी और उनकी जो वाइफ थी भानुमती जी, उनकी जो राख है, दे वर ब्रॉट टू इंडिया ऑन 4 सितंबर 2003 एट मांडवी। 4 सितंबर 2003 को मांडवी के अंदर लाया गया उनकी राख को, उनकी अस्थियों को। अ मेमोरियल कोल्ड क्रांति तीर्थ डेडिकेटेड टू हिम वॉज बिल्ट एंड इनॉग्यूरेटेड इन 2010 नियर मांडवी। और मांडवी के अंदर, ठीक है, कच्छ में एक मेमोरियल जिसका नाम था क्रांति तीर्थ, इनके नाम के ऊपर उसको बनाया गया, इनॉग्यूरेट किया गया, उसका उद्घाटन हुआ 2010 के अंदर। फुल स्केल रेप्लिका ऑफ इंडिया हाउस एंड गैलरीज डेडिकेटेड टू अर्लियर एक्टिविस्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आर कंस्ट्रक्टेड एंड द अर्न्स कंटेनिंग एशेज आर केप्ट देयर, ठीक है। फुल स्केल रेप्लिका ऑफ इंडिया हाउस एंड गैलरीज विच वर डेडिकेटेड टू अर्लियर एक्टिविस्ट, ओके, और ऐसी गैलरीज जो अर्लियर एक्टिविस्ट को डेडिकेट की गई थी, ठीक है, दे वर कंस्ट्रक्टेड, ओके, एंड अर्न्स कंटेनिंग एशेज आर केप्ट देयर।
The urns were traveled throughout Gujarat to pay them due homage. और पूरे गुजरात के अंदर इन urns को, इन अस्थियों को travel कराया गया ताकि लोग अपना होमेज दे सके, अपनी रिस्पेक्ट दे सके. ठीक है, कितने बड़े रेवोल्यूशनरीज की अस्थियां आई थी, क्या फिर पता नहीं कब मौका मिले इतने बड़े रेवोल्यूशनरीज को अस्थियां देखने का. मैडम कामा, मैडम कामा वॉज बोर्न ऑन 24 September 1861 मुंबई एंड शी स्टेड इन लंदन फ्रॉम 1902 to 1907. मुंबई में पैदा हुए थे बट वो लंदन के अंदर रहे 1902 से लेकर 1907 तक. इन 1905 शी वॉज एन एसोसिएट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा इन एस्टैब्लिशिंग इंडियन होम रूल सोसाइटी. और 1905 के अंदर वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के एसोसिएट थे, ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी एस्टैब्लिश करने में. शी वॉज प्रेजेंट इन द सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टटगार्ट ऑफ जर्मनी इन 1907 CE. और वो सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर हाजिर थे स्टटगार्ट के अंदर. स्टटगार्ट कहाँ पर है? जर्मनी में, 1907 में. एंड इन दिस कॉन्फ्रेंस शी अनफर्ल्ड द ट्राइकलर फ्लैग विद द स्लोगन वंदे मातरम. और ये कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने ट्राइकलर फ्लैग, ट्राइकलर फ्लैग मतलब का भारत का जो तिरंगा है उसको अनफर्ल किया, उसको वहां पर लहराया और ये स्लोगन भी बोला वंदे मातरम. ठीक है, वो भी जर्मनी के अंदर. और उन दिनों में जर्मनी जो है वो अंग्रेजों का सख्त विरोधी था, इंग्लैंड का विरोधी था, इंग्लैंड को अपोज करने वाला था. ठीक है, द फ्लैग अनफर्ल्ड बाय मैडम कामा हैड 8 लोटस फ्लावर्स रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंसेस. जिस फ्लैग को मैडम कामा जी ने अनफर्ल किया था, लहराया था जर्मनी के अंदर, उसमें 8 लोटस फ्लावर्स थे जो भारत के 8 प्रोविंसेस को उजागर करते थे. The sun and the moon had been displayed as Hindu-Muslim unity. और अंदर sun और moon भी थे जो Hindu-Muslim unity को display करते हैं, Hindu-Muslim unity को दिखाते हैं. ठीक है,